हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी ममता सचदेवा, आप सबके साथ में और आपके द्वारा रिक्वेस्ट की हुई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो बहुत टाइम से आप सब मुझसे रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं कि ग्राउंड स्टाफ कैसे बनते हैं, ग्राउंड स्टाफ का क्या एज क्राइटेरिया है, क्या चाहिए होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने मुझसे मांगी थी जो मैं दे नहीं पा रही थी आपको। तो चलिए इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूं फॉर दोज जिन्होंने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया है, जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम है ममता सचदेवा, मैं एक इंटरनेशनल एयरलाइन में फ्लाइट मैनेजर हूं, जिसको कैबिन मैनेजर भी बोला जाता है, पर्सर भी बोला जाता है। बेसिकली मैं फ्लाइट मैनेज करती हूं, कैबिन क्रू के ऊपर जो मैनेजर होता है उसको कैबिन क्रू मैनेजर भी बोलते हैं, फ्लाइट मैनेजर भी बोलते हैं, पर्सर भी बोलते हैं कुछ कंपनीज में, या मेरे ख्याल से फ्लाइट मैनेजर या कुछ ऐसा भी बोला जाता है। तो एक्चुअली क्या था, मेरा जो प्रोफेशन और जो मेरा फील्ड है वो तो सारा फ्लाइट से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि आपके इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ग्राउंड स्टाफ कैसे बनना है, और मैंने खुद, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने दिनों से इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की ऑनलाइन, मुझे कोई इंफॉर्मेशन भी जो है एक्यूरेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने फाइनली क्या किया, अभी दिल्ली एयरपोर्ट से मैं आ रही थी तो मैंने एक ग्राउंड स्टाफ लड़का है उससे मैंने बात की, लकीली वो अग्री हुआ, उसने मुझे कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूं वो सुनी सुनाई बातें नहीं है, वो सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, वो किसी ऐसे इंसान ने शेयर की है जो ऑलरेडी दिल्ली एयरपोर्ट में काम कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जितने भी फैक्ट्स मैं आपको दे पाऊंगी उतनी ही इन्फॉर्मेशन फिलहाल मेरे पास है, लेकिन आपके कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे लिख के भेज सकते हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं उनको आपके लिए क्लैरिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, जितना मैं बेस्ट पॉसिबल आपके लिए कर पाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया में ऐसी तीन कंपनीज हैं जो एयरपोर्ट्स में ग्राउंड स्टाफ, जो इंटरनेशनल फ्लाइट को हैंडल करते हैं, उनको ग्राउंड स्टाफ वो प्रोवाइड करते हैं। उन तीन कंपनीज के नाम मैं पहले आपको बताती हूं। एक है एयर इंडिया सैट्स, मैं ये जो नाम ले रही हूं, डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों के नाम मैं आपके लिए मेंशन कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट स्पेलिंग। BWFS करके एक कंपनी है जो ग्राउंड स्टाफ प्रोवाइड करती है पूरे इंडिया में जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनको। और एक है चेलेबी, तो इन सबके स्पेलिंग्स की आप वरी मत कीजिए, मैं आपको लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये तीन कंपनीज हैं जो इंडिया में जितने भी मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनको ग्राउंड स्टाफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीन कंपनीज इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेसिकली टारगेट करती हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस का मुझे अभी तक नहीं पता है, जब भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी मैं डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा बना दूंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कैबिन क्रू बनने के लिए रिक्वायरमेंट होती है एज इतनी होनी चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए, ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, वैसे ही इंडिया में ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए भी एक क्राइटेरिया है। तो वो क्राइटेरिया थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मुझे ग्राउंड स्टाफ ने प्रोवाइड की है वो मैं आपको दे देती हूं। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया तक ही सीमित है, वहां के स्टाफ तक सीमित है, क्योंकि यहां पे डिफरेंट रूल्स हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं यहां के लिए, यूए के लिए एक अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, ग्राउंड स्टाफ यहां पे बनने के लिए क्या चाहिए, ये सिर्फ इंडिया के लिए है, ये चीज माइंड में रखिएगा। तो सबसे पहले आती है बात एज कितनी चाहिए। मिनिमम एज आप 18 साल के कंप्लीट होने चाहिए, और मैक्सिमम आपकी जो एज है 28 ईयर्स, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप 28 कंप्लीट कर चुके हैं, 29th आपको लग चुका है, अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट अप्लाई। अगर आप 18 से नीचे हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एज आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग होती है, तो मैच करना चाहिए उस चीज में। सेकेंड चीज आती है हाइट की। मैंने हाइट कंफर्म की, उन्होंने बोला कि हाइट डजंट रियली मैटर, बट ऑब्वियसली जो नॉर्मल टास्क जो रूटीन में एयरपोर्ट पे होते हैं वो आप करने के काबिल होने चाहिए। तो जो भी आपका फिजिकल मोबिलिटी है इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आप जो रूटीन के रोजमर्रा के काम है वो अच्छे से आप निभा सकें, आपकी जो हाइट एंड वेट है उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा चबी हो गए या बहुत ज्यादा आप वीक हो तो आई थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए।
पासपोर्ट मैं सुन के हैरान हुई क्योंकि मुझे लगता था ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए पासपोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कौन सा आपने कोई कंट्री को छोड़ के कहीं जाना है। लेकिन ये चीज ने मुझे शॉक कर दिया कि पासपोर्ट इज अ मस्ट टू बिकम ग्राउंड स्टाफ। उसका रीजन ये है कि एयरपोर्ट पास, एयरपोर्ट के अंदर आने के लिए जो एक आईडी जिसको एयरपोर्ट पास इंडिया में बोला जाता है, उसको बनाने के लिए पासपोर्ट होना मस्ट है। तो अगर आप एविएशन में ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू बनने का सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपना जो पासपोर्ट है उसको बनवा लें। तो पासपोर्ट इज अ मस्ट। आई पावर आप में से हमेशा पूछते हैं आई साइट कम ज्यादा क्या है क्या नहीं है। ग्राउंड स्टाफ के लिए आई साइट डजेंट मैटर। अगर आपको चश्मा भी लगा हुआ है नो प्रॉब्लम, लेंस पहनते हो नो प्रॉब्लम, कोई और आईज का प्रॉब्लम है नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज मैंने जैसे पहले कहा है जो रूटीन जॉब का वर्क है अगर आप कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से, आपके काम में आपकी नजर जो है वो कोई बाधा नहीं डाल रही है तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। ग्लासेस अगर आप पहनते हो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो बनाई थी, अगर जिन लोगों ने भी ग्राउंड स्टाफ की मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें हमने प्लस टू मेंशन किया था, वो वीडियो भी गलत नहीं थी क्योंकि उस टाइम तक प्लस टू ही क्वालिफिकेशन थी जो रिक्वायर्ड थी ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए। लेकिन अभी जो इंडिया की सिविल एविएशन है उन्होंने ये रूल बनाया है कि ग्रेजुएशन जो है वो मस्ट है। तो अभी अगर आप नए सिरे से ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो यू आर एलिजिबल टू बिकम ग्राउंड स्टाफ इन एनी एयरपोर्ट्स इन इंडिया। तो ग्रेजुएशन मस्ट है, इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिए। जो प्लस टू था कुछ टाइम पहले तक वो एक्सेप्टेड था लेकिन अभी एक्सेप्टेड नहीं है। उसके अलावा बात आती है, आप लोग डेफिनेटली इसके बाद मुझे पूछने वाले हो कि मैम सैलरी कितनी मिलेगी हमें, तो ये पॉपुलर क्वेश्चन बनने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये होमवर्क भी कर दिया है। तो सैलरी जो है मुझे जो बताया गया है अभी करंट जो सैलरी थी वो 15,000 रुपए से लेके 20,000 के बीच में थी, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि ये तीनों कंपनीज थोड़ा सा सैलरीज को रिव्यू कर रही हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में सैलरी जो है वो 25,000 रुपए इंडियन रुपीज होने वाली है। सो दिस इज अ गुड न्यूज या तो। लेकिन उसके अलावा थोड़ा बहुत मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन के अलावा, कि अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करते हो इन वेबसाइट्स के ऊपर, वेबसाइट्स के मेरे पास प्रॉपर लिंक्स तो नहीं है, मैं कोशिश करूंगी ढूंढने की, अगर मैं ढूंढ पाई तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डेफिनेटली डाल दूंगी जिसका भी लिंक मुझे मिल पाएगा, जो प्रॉपर इनकी वेबसाइट्स हैं इन तीनों कंपनीज की जिनके मैंने नाम लिए हैं, एयर इंडिया सैट्स है, BWFS है और चेलेबी है, इन तीनों के अगर मुझे प्रॉपर लिंक्स नजर आ जाएंगे तो मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगी और आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये कंपनीज बेसिकली करती क्या है। ये मैंने क्यों कहा है कि आपको पढ़ना पड़ेगा या पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टाफ क्या करता है, क्योंकि जब आपकी इंटरव्यू होगी तो मैं ये नहीं कह रही कि वो आपसे पूरा A to Z पूछेंगे कि हम क्या करते हैं, लेकिन आई बिलीव बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। एटलीस्ट जो इंसान ग्राउंड में वहां एयरपोर्ट में काम करने के लिए जा रहा है एटलीस्ट उसको पता तो होना चाहिए वो वहां पे क्या करने के लिए जा रहा है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गेन कर लेनी चाहिए ऑनलाइन। तो ये थे कुछ एक पॉइंट्स, सॉरी मुझे थोड़ी सी खांसी है। सो ये कुछ एक चीजें, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो बाकी एक चीज मुझे उन्होंने बताई थी कि अगर आप इस इंटरव्यू के लिए जाते हो तो जैसे हम कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जाते हैं वैसे ही अच्छी ग्रूमिंग आपकी होनी चाहिए। लड़के हो तो आपके बाल स्पाइकी हेयर स्टाइल्स वगैरह नहीं होना चाहिए, लाल पीले रंग नहीं किए होने चाहिए बाल, आपके टैटू वगैरह भी वही अगर यूनिफॉर्म पहनने के बाद छुप रहे हैं तो इट्स ओके, अगर बाहर विजिबल है देन इट्स अ लिटिल प्रॉब्लम। उसके अलावा आई थिंक जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स है थोड़ी मैचिंग है, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं ग्राउंड स्टाफ के ग्रूमिंग के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके लिए गैदर कर पाई वो यही इन्फॉर्मेशन है कि ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए तीन कंपनीज इंडिया में जो मेन कंपनीज है स्टाफ को देती हैं, और इनके ऑनलाइन जो वेबसाइट के लिंक्स हैं मैं कोशिश पूरी करूंगी कि इनके ऑफिशियल जो लिंक्स हैं ताकि आपको किसी और वेबसाइट के थ्रू ना जाना पड़े, किसी को कोई पैसा ना खिलाना पड़े, किसी को कोई रिश्वत ना देनी पड़े या कोई गलत काम ना करना पड़े, तो मेरी कोशिश है कि मैं सीधे लिंक्स इसके ढूंढ के आपके लिए
डालूं और आप इनके करियर पेज के ऊपर जाके जो है वो आप खुद अप्लाई कर पाए। लेकिन एटलीस्ट नाउ यू कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो अभी आप अपने आप में देख सकते हैं कि आप में से इनमें से कौन सी चीजें मैच कर रही हैं, कौन सी चीजें नहीं मैच कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा दिन बहुत ही सफल रहा क्योंकि मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन ला पाई जो मैं काफी टाइम से मैं ढूंढ रही थी। और बिलीव मी, बहुत सारे लोग जो करंट जॉब में हैं उनको अलाउड नहीं होता है आके अपने प्रोफेशन के बारे में शायद बोलना, या उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो बुरा मान लेते हैं, या आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर। तो कोई भी ऐसा नहीं मिला मुझे जो कैमरा के ऊपर आके मेरे साथ बैठ के बात कर पाए, जो अभी करंट ग्राउंड स्टाफ है। लेकिन ये जिस स्टाफ ने मुझे इन्फॉर्मेशन पास की है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ रियली, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों को मदद देगी और बहुत सारे लोगों को उनका जो करियर चुनने में मदद करेगी। एटलीस्ट लोग अपने माइंड में क्लियर हो सकते हैं कि मेरे लिए ये है, मैं ग्रेजुएट हूं, मेरे में ये चीजें हैं, तो मैं इस जॉब में जा सकता हूं, जा सकती हूं या नहीं जा सकती हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी मैसेज के साथ थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है मिसिंग है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोशिश रहेगी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ढूंढ के आपको दे सकूं। सो धन्यवाद दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय।